सो द टॉपिक इज सेल एंड हमने प्रीवियस क्लास में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था इस क्लास में हम पढ़ेंगे सेल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं एंड सेल रिप्रोडक्शन क्या होता है और किस तरीके से होता है सो so, सबसे पहले वट आर द फंक्शंस ऑफ सेल्स फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस राइट अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी है तो उसके लिए सेल्स बहुत सारे फंक्शंस करते हैं पहला है प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड द सपोर्ट जो सेल्स हैं दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड द सपोर्ट सो आपको Uh, पता है कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें सेल वॉल एंड द सेल मैम्रेन होती है तो ये जो सेल वॉल एंड द सेल मैम्रेन है ये ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके रखते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करके रखते हैं सिमिलरली हमारी जो पूरी बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी है एंड तो हमारी स्किन अगर जो एक स्किन है वो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स एंड दिस स्किन प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी सेकेंड इज फैसिलिटेड सेल सेल क्या करते हैं दे ग्रो सेल डिवाइड होते हैं ग्रो करते हैं तो इन दिस वे सेल्स क्या करते हैं दे आर हेल्पिंग इन मेकिंग द ग्रोथ ऑफ द बॉडी अगर देखें एक न्यूमॉर्न बेबी होता है और वो लाइफ टाइम बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है न्यूबॉर्न होगा देन न्यू इन्फेंट होगा फिर वो टॉडलर बनेगा इन दिस वे एडल्टुड आएगा ओल्ड एज आएगी सो so, बेसिकली जो न्यू बॉर्न से जो एडल्टुड तक का जो जितना भी प्रोसेस होता है दैट इज कॉज्ड बाय ओनली द सेल्स सो इट फैसिलिटेट द ग्रोथ अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज सेल मैम्ब्रेन हमने पढ़ा था सेल मैम के बारे में सेल मैम्रेन एक ऐसी मैमरेन है जिससे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट होता है आपका ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोटीन्स है हार्मोन्स हैं ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सेल मैम्बरेन एंड दीज दीज आर वेरी इसेंशियल फॉर द सस्टेनिंग ऑफ द लाइफ राइट दैट्स वाई दैन प्रोड्यूसेज एनर्जी सेल को भी एनर्जी चाहिए फॉर देर सर्वाइवल एंड हमारी बॉडी में इतनी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं राइट right? हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसमें इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हम जो रेस्पिरीशंस uh, करते हैं रेस्पिरीशन प्रोसेस करते हैं उससे भी क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो जो रोल है एनर्जी uh, प्रोड्यूस करने का वो किसका है सेल का तो सेल प्रोड्यूस एनर्जी एंड जिसकी वजह से वी कैन आवर बॉडी कैन अंडर गो वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस हेल्पअ टू बी सर्वाइव्ड राइट बिकॉज दे आर गिविंग अस द एनर्जी देन एड्स इन रिप्रोडक्शन आपका so reproduction process, reproduction means uh, production of the office springs right? so uh, jo cells hai, they are also helpful for the reproduction process. Jo sperm hai and the overhead, they fuse together and they make a zygote. and uh, so this is only because of the cell. so this aids in the reproduction. so these are the functions of cell. they provide structure and support. they facilitate growth.

ग्रो करते हैं जो कि एक लाइफ साइकिल से गुजरते हैं जो कि ग्रो करेंगे फिर डेड भी हो जाएंगे ठीक है या फिर वो पहले ही डैमेज हो जाएंगे और फिर जो होगा वो न्यू सेल्स बनेंगे कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे कि न्यूरॉन है आपका नर्व सेल है वो सेल ग्रोथ नहीं करते हैं वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं दे नेवा ग्रो राइट सो सेल रिप्रोडक्शन क्या है डेफिनेशन क्या है सेल रिप्रोडक्शन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेल्स डिवाइड टू फॉर्म द न्यू सेल्स सेल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं नाउ सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं सेल साइकिल सेल साइकिल के अंदर एक ऐसे स्टेप्स आते हैं जो कि सेल्स की हेल्प करते हैं टू ग्रो डेवलप एंड रिप्रोड्यूस ओके ल इज डिवाइडेड इंटू टू मेन फेजेस ये जो सेल साइकिल है उसको हम दो फेजेज में बांटते हैं फर्स्ट वन इज माइटोटिक फेज विच इज ऑल्सो एम फेज एंड सेकेंड फेज इज कॉल्ड द इंटरफेज अब इसके बारे में जानते हैं क्या होता है दो फेजेस पढ़े हमने एक तो पढ़ा माइटोटिक फेज दूसरा पढ़ा इंटरफेज तो क्या होता है इंटरफेज में क्या होता है माइटोटिक फेज में जो इंटरफेज होता है उसमें जो सेल होता है वो डिवाइड नहीं होता इंटरफेज में क्या होता है सेल जो होगा वो ग्रो करेगा ठीक है वो ग्रो इन द सेंस कैसे कर रहा है जो माइटोटिक फेज आने वाला है उसके लिए वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करता है वो डीएनए को डबल कर देता है और सेल के अंदर ऑर्गेनि organi, ऑर्गेनियस होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है बहुत सारे ऑर्गेनिल्स हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया है, है राइबोसोम है लाइसोजोम्स हैं इन सब को क्या करता है डिवाइड कर देता है तो जो नेक्स्ट फेज आने वाला है माइटोटिक फेज उस फेज़ की तैयारी के लिए जो सेल्स जितने भी काम कर रहा है वो किस फेज़ के अंदर आता है इंटरफेज के अंदर ठीक है दिस इज़ कॉल्ड द इंटरफेज इंटरफेज़ में क्या होगा सेल ग्रो करेगा साइज़ में भी ग्रो करेगा वॉल्यूम में भी ग्रो करेगा उसका जो डी एन ए है वो डबल हो जाएगा उसके जो ऑर्गेनस हैं वो भी डबल हो जाएंगे उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वग़ैरह ज़्यादा आ जाएंगे अब माइटोटिक फेज़ में क्या होता है माइटोटिक फेज़ में जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं ऑर्गेनिल्स हैं साइटोप्लाज्म हैं वो दो डॉटर सेल्स बना देंगे सेल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि सेल्स जो हैं एक सेल से क्या हो रहा है नए सेल बन रहा है है ना तो अब ये नया सेल कैसे बन रहा है हम वही पढ़ रहे हैं तो हमने इंटर के बारे में पढ़ा माइटोटिक फेज में जो जितनी भी चीज़ें डबल हो गई थी उन जो जो एक सेल था उससे क्या हुआ दो दो डॉटर सेल बन गए ये जो दो डॉटर सेल हैं उनके अंदर जितना भी मटेरियल होगा वो सेम रहेगा जैसे कि पेरेंट सेल का था ठीक है इसके बारे में आगे पढ़ते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये एक साइकिल है सेल साइकिल है ठीक है इसमें अगर आप देखो इंटरफेस इंटरफेस के मैंने बारे में आपको बताया इंटरफेस में भी तीन फेज होते हैं पहला देखो जी वन फेज दूसरा देखो एस फेज जिसको हम बोलते हैं डी एन ए रिप्लीकेशन तीसरा देखो जी टू फेज अब जो जी वन फेज है जो एस फेज है और जो जी टू फेज़ है ये किसके अंदर आता है इंटर फेज में ठीक है बट जो एम फेज है जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज इसमें दो चीज़ें आती हैं माइटोटिक फेज में क्या क्या आता है माइटोसिस आता है जिसमें कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है ठीक है जो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस डिवाइड होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है डीएनए डीएनए के अंदर क्या है क्रोमोजोम तो ये डिवाइड हो रहा है साइटोकाइनेसिस दूसरा होता है माइटो माइटोक फेज का इसमें होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इंटरफेज में तीन फेज और होते हैं जीवन फेज एस फेज और द जी टू फेज और माइटोटिक फेज में दो फेज और होते हैं माइटोटिक फेज एंड द साइटोकाइनेसिस, ओके। हम इंटरफेस के बारे में बताएं, पढ़ेंगे जीवन क्या होता है एस फेज क्या होता है और जी टू क्या होता है सबसे पहले सॉरी जो इंटरफेज था उसमें हमने पढ़ लिए तीन फेजेस अब हम एम फेज के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है एम फेज में कितने फेज होते हैं एक तो माइटोसिस होता है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा ठीक है अब हम पढ़ेंगे इंटरफेज के बारे में इंटरफेज फेज को हम प्रिपेटरी फेज भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो नेक्स्ट फेज आने वाला है माइटोसिस वाला फेज उसके लिए जितनी भी तैयारियां हो रही हैं वो कौन से फेज में हो रही है इंटरफेज में तैयारियां कैसी हो रही हैं उसमें ये हो रहा है कि ऑर्गेनिस्ट रिप्लिकेट हो रहे हैं डी एन ए हो रहा है राइट तो ग्रो हो रहा है साइज right? तो, uh, में वॉल्यूम में ग्रो हो रहा है तो ये प्रिपेट्री फेज है टिपिकली इंटरफेज लास्टेड फॉर लास्ट फॉर एटलीस्ट नाइंटी वन परसेंट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल मतलब कि इंटरफेज जो होता है वो लॉन्गर फेज का होता है देन द माइटोटिक फेज अब जीवन फेज के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे जी का क्या मतलब है जी का मतलब है गैप ओके okay? तो जी वन वन मतलब फर्स्ट तो फर्स्ट गैप फेज़ है जीवन फेज का नाम जीवन फेज का फर्स्ट नाम क्या है गैप वन फेज ओके फर्स्ट गैप फेज यूजुअली लॉन्गेस्ट फेज है ये कैसा फेज़ है लॉन्गेस्ट फेज है इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है मोस्ट वेरिएबल होती है मतलब कि ये वेरी करती है इसकी लेंथ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज जैसे कि माइट्रोकोन्ड्रिया राइबोजोम एंड ग्रोज इन साइज एंड वॉल्यूम तो जो हमारा फर्स्ट गैप फेज़ है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है सबसे ज़्यादा होता है बड़ा बट ये डिपेंड करता है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी डिपेंड करता है कौन सा सेल है और किस तरीके से फंक्शन करता है अब इस जीव ग्रोथ सॉरी ग्रोथ फेज़ में इस फर्स्ट गैप फेज़ में क्या होता है सेल जो है अपने प्रोटीन्स बढ़ाएगा ऑर्गनज बढ़ाएगा साइज में बढ़ा होगा वॉल्यूम में बढ़ा होगा अब कभी कभी क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं जीवन फेज़ के वो जी ज़ीरो फ़ेज़ में चले जाते हैं जी ज़ीरो मतलब कि रेस्टिंग फेज़ जी ज़ीरो फ़ेज़ का मतलब ये होता है कि वो इस टाइम पे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होंगे आगे जाके वो सेल्स आइकिल से गुजरेंगे ही नहीं तो रेस्टिंग फ़ेज़ में क्या हो रहा है कि जो सेल है उसने साइकिल को लेफ्ट कर दिया है और वो डिवाइड नहीं करेगा तो जीवन फेज़ के बाद वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं और उस स्टेज को उस फेज़ को हम बोलते हैं जी ज़ीरो फ़ेज जैसे कि न्यूरॉन सेल है सेल क्या करता है जब वो जीवन फ़ेज़ में आता है उसके बाद वो कभी भी डिवाइड नहीं होता जो आपके नर्व सेल होते हैं तो वो हमेशा जीरो जी जीरो फ़ेज़ में ही रहते हैं तो इस वजह से डेट इज़ कॉल्ड द जी ज़ीरो फेस नाउ आपके पास और भी सेल्स हैं जो कभी भी जी ज़ीरो फेज में जाते ही नहीं हैं जैसे कि एग्जाम्पल है एपीथीलिया सेल्स का वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं एपिथीलिया सेल्स तो दे आर आल्सो कॉल्ड द एपीथीलिया सेल्स विच नेवर वेंट थ्रू दिस जीरो जी ज़ीरो फेस नाउ जीवन फेज के बाद हमारा एस फेज एस का मतलब है यहाँ पे सिंथेसिस किसका सिंथेसिस हो रहा है डी एन ए का ठीक है तो दिस इज दिस एस फेज इज ऑल्सो नोन है डी एन ए फेज इसमें क्या होगा डी एन ए का सिंथेसिस हो रहा है इसका मतलब जो क्रोमोजोम्स हैं आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी में फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं जो कि ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स होते हैं और वन पेयर होता है सेक्स क्रोमोजोम का राइट right? 46 तो 46 सिक्स जो क्रोमोज़ोम्स हैं ये रिप्लिकेट करते हैं और अपनी अपनी कॉपीज़ बना लेते हैं इसका मतलब 46 सिक्स इंटू टू डबल हो गए 46 सिक्स इंटू टू इसका मतलब 92, 92 क्रोमोज़ोम्स हो जाते हैं सिंथेसिस फेज में ठीक है जैसे कि एक एग्जांपल है अगर आप देखो ये एक क्रोमोज़ोम है क्रोमोज़ोम में जो बीच में जिससे अटैच्ड हैं ये दो चीज़ें इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड ठीक है दो क्रोमैटिड है और ये एक दूसरे से जॉइंट है किससे सेंट्रोमेयर से ये टर्म आपको आनी चाहिए क्योंकि आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे तो इसको ध्यान से देखो एक क्रोमोसोम है क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड का बना हुआ है और ये अटैच्ड है इन द मिडल यूजिंग द सेंट्रोमेयर ठीक है नाउ जब रेप्लिकेशन होगा तो हमने क्या बोला ये डबल हो जाएगा है ना तो देखो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे सिमिलरली एक और क्रोमोजोम आ गया जिसके कि क्या है दो क्रोमेटेड हैं और ये फिर ये जो क्रोमेटेड हैं टोटल्स चार क्रोमेटेड हो गए एक क्रोमोजोम के अंदर दो क्रोमेटेड हैं तो चार क्रोमेटेड किस में हो गई दो क्रोमोजोम्स में और ये अटैच हैं किससे मिया से तो इस तरीके से आपके जितने फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं और नाइन्टी टू क्रोमोजोम्स बना लेते हैं नाउ अब है गैप टू फेज दैट इज कॉल्ड जी टू फेज इसको हम बोलते हैं सेकेंड गैप फेज इसमें फिर से ग्रोथ होती है सेल की फिर से वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को फॉर द सेल डिविजन ओके नाउ माइटोसिस वट इज माइटोसिस माइटोसिस क्या होता है माइटोसिस के अंदर देयर इज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड द टैलोफेज ओके अभी तक हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा जीवन फेज़ एस फेज एंड द जी टू फेज़ कुछ कुछ सेल्स होते हैं जो जीवन फेज के बाद कहाँ चले जाते हैं जी ज़ीरो फेज में ठीक है अब हम माइटोसिस पढ़ेंगे कि माइटोसिस में क्या होता है अभी तक जितना भी था सेल अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है उसने अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर दिया है हमारे पास उसको जो, जो क्रोमोसोम्स हैं वो डबल हो गए हैं ऑर्गेनल्स हैं वो डबल हो गए हैं जो सेल है वो उसका साइज़ बड़ा हो गया है जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा हो गया है जो ऑर्गेनिल्स हैं वो डबल हो गए हैं तो अब हमें माइटोसिस वाले प्रोसेस को पढ़ना है ठीक है माइटोसिस में चार फेज होते हैं प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड द टेलोफेज पी एम ए टी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड एना टेलोफेज एना अब प्रोफेज़ क्या होता है प्रोफेज में मैंने आपको पहले भी बताया था सेल स्ट्रक्चर में जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन बट जब सेल डिवाइड हो जाता है वो एक साथ कंडेंस हो जाते हैं एक साथ सिकुड़ जाते हैं और फिर क्रोमोजोम बना लेते हैं ठीक है तो अभी क्या हो रहा है क्रोफेज में जो रेप्लीकेटेड क्रोमैटिन है क्रोमैटिन है वो क्या होने लग गया है कॉयल तो होने लग गया है अब वो क्या बनाएगा क्रोमोजोम्स बनाएगा ठीक है तो इस वजह से वो कॉयल होने लग गया है माइटोटिक अपैरेटस अकर्स माइटोटिक अपैरेटस क्या होता है माइटोटिक अपैरेटस के अंदर दो चीज़ें आती हैं एक तो आती हैं सेंट्रियोल्स और दूसरा आता है माइटोटिक स्पाइंडर ठीक है हम नेक्स्ट डाइग्राम में देखेंगे क्या होता है सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं एट द एंड ऑफ ईच सेल हर सेल के एंड में वो माइग्रेट कर लेते हैं और न्यूक्लियर एनवलप भी डिसअपेयर हो जाता है अब देखते हैं इस डायग्राम से क्या होता है अब अगर आप इसमें देखोगे ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवलअप है जो धीरे धीरे करके फेज में ये जो न्यूक्लियर एनवलअप है ये क्या होने लग जाएगा डिसपेयर होने लग जाएगा इसके अंदर क्या है क्रोमैटिन है क्रोमैटिन अब कंडेंस हो रहा है कॉयल हो रहा है अब वो उसने क्या बना दिए क्रोमोज़ोम हमें हाँ, पता है कि जो क्रोमोजोम्स हैं वो क्या हैं डबल है ठीक है अब दूसरी तरफ जो सेल है उसके एंड में क्या है माइक्रो सॉरी ये दैट इज और द माइटोटिक सॉरीपाइंडल ठीक है सेंट्रियोल्स होता है और स्पाइंडल्स होते हैं ये जो स्पाइंडल्स होते हैं ये ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं जो कि हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर में अब क्या होगा माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं दे आर प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ टू द क्रोमोसोम्स, राइट अब देखते हैं क्या होता है मेटाफेज में क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो अपने आप को दे अलाइन ऑन सेंटर ऑफ द स्पाइंडर, विच इज अटैच बाई देंट्रोमेस अब देखो हमारे पास सेंट्रोल्स थे स्पाइंडर्स थे है ना सेंट्रोल्स थे और इस्पाइंडल्स थे ये कहाँ पे थे एट द एंड ऑफ ईच सेल और जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो भी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर थे एट द एंड बट मेटाफेज में क्या हुआ जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो सेंटर पे आ गए और जो हमारा सेंट्रोइड्स और स्पाइंडल्स थे वो एट द मिडल मिडल पे चला गया एंड पे ठीक है तो इन दिस वे आप देखोगे कि मेटाफेज प्लेट बन जाती है जहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स बिल्कुल मिडल ऑफ द सेल्स में अलाइन कर जाते हैं एक आ जाते हैं न्यूक्लियर एनवल अगर आप देखो पर्पल कलर में जो दिखाया गया वो क्या हो रही है धीरे धीरे करके हो रही है देयर देयर आर आर एट द पोल्स एंड राइट नाउ एनाफेज क्या होता है एनाफेज में ये जो सेंट्रोमेयर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे सेंट्रोमेयर्स आपको पता है कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनको जोड़े रखता है, है ना अब सेंट्रोमेयर्स अलग हो जाएगा सेंट्रोमेयर के अलग होते ही जो ईच पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटेड ठीक है जो पेयर में थे उसका वन जो होता है वो माइग्रेट कर जाता है ईच एंड ऑफ द स्पाइंडल में और फिर उसके बाद जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे धीरे धीरे करके वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं अब आप देखो क्या और हर जो सेंट्रो मेयर है वो किससे अटैचड है स्पाइंडल से अटैच है क्योंकि क्रोमोजोम को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो किससे मिलती है स्पाइंडल से क्योंकि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं अब हमने क्या पढ़ा एनाफेज में कि ये अलग हो गए आपने पहले देखा था कि ये पहले क्या थे चार क्रोमोज़ोम्स थे राइट अब ये क्या हो रहे हैं अलग हो रहे हैं अब ये अलग हो रहे हैं तो जो एक क्रोमोज़ोम था उसमें कितने क्रोमेटिड्स थे चार तो दो क्रोमेटिड इधर चले गए दो क्रोमेटिड उधर चले गए सिमिलरली इन दिस वे जो मेटाफेज प्लेट में थे जितने भी क्रोमोसोम्स अब वो अलग अलग हो गए इस तरीके से दोनों साइड चले गए और इनको हम बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स ठीक है टैलोफेज में क्या होगा कि जो स्पाइंडल है वो डिसअपेयर हो जाएगा क्रोमोसोम्स अनकोयल हो जाएंगे पहले वो कॉयल हो गए थे अब वो अनकॉयल हो जाएंगे और न्यूक्लियर एनवलप भी आ जाएगा इसमें अगर आप देखो तो अब ये जो स्पाइंडल्स हैं वो धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं हट जाएंगे वहां से हटने के बाद ये जो आपके क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो रहे हैं अनकॉयल हो रहे हैं है ना पहले वो कॉयल हो गए थे एक साथ मिल गए थे अब वो खुल गए तो इन दिस वे और अब दोनों तरफ ही क्या हो जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप आने लगेगा नाउ न्यूक्लियर एनवेलप आने के बाद क्या होगा दोनों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप आ गया अब साइटोप्लाज्म या फिर जो ऑर्गेनिल्स हैं जो या फिर प्लाज्मा मामलेन है वो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगी स्प्रिट हो जाएगा इस तरीके से दो आइडेंटिकल एक जैसे डॉटर सेल्स मिल जाएंगे ऑर्गेनिल्स ऑफ टू सेल्स आर इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ सेल डिजन जब सेल डिवाइड होता है तो उस टाइम पे सारे ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं इंटरफेस के टाइम पे ये ऑर्गेनिल्स बनते हैं तो आप ये देखो इस तरीके से जब साइटोप्लाज्म प्लाज्मा भी डिवाइड हो गया दो डॉटर सेल्स बन गए तो एक क्या है न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है ठीक है और जो येलो कलर में ऐसे टी की शेप में है वो क्या है सेंट्रइ तो इन दिस वे एक जो सेल था उससे क्या हो गया दो सेल बन गए सो so, आज हमने पढ़ा सेल फंक्शंस के बारे में और सेल रिप्रोडक्शन के बारे में सेल रिप्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि दो फेजेस होते हैं इंटरफेज और द माइटोटिक फेज इंटरफेज़ में जो सेल होता है वो ग्रो करता है और माइटोटिक फेज़ के लिए रेडी होता है उसमें वो क्या होगा डीएनए रिप्लिकेट करेगा ऑर्गेनिज रिप्लिकेट करेगा अपना साइज़ बढ़ाएगा अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाएगा इंटरफेज़ में भी हमारा जीवन फेज़ है एस फेज़ है और जी टू फेज़ है जीवन और जी टू फेज़ में सेल ग्रोथ होती रहेगी लेकिन जो एस फेज है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसके बाद हमने पढ़ा माइटोटिक फेज माइटोटिक में प्रो फेज होता है मेटा फेज होता है एना फेज होता है और टेलो फेज होता है प्रो फेज में जो आपके क्रोमेटिड्स हैं जो आपका क्रोमोसोम्स हैं वो एक साइड एंड पे रहेंगे सेल के और जो आपका स्पाइंडल्स हैं और सेंट्रिओल्स से हैं वो एक एंड पे रहेंगे मेटा फेज में सारे क्रोमोसोम्स बिल्कुल मिडल पे चले जाएंगे और माइटोटिक माइटोटिक जो स्पाइंडल्स हैं और जो सेंट्रल्स हैं वो साइड में रह जाएंगे उसके बाद एना फेज में क्या होगा अलग अलग हो जाएंगे जो हर एक जो क्रोमोसोम्स थे उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे ठीक है दे विल स्प्लिट इनटू टू एंड इस तरीके से जब वो स्प्लिट हो जाएंगे दो तो वो नेक्स्ट फेज में वो अलग अलग होके हर एंड पे जाएंगे और फिर साइटोकनिस होगा साइटो प्लाज्मा भी डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से टू डॉटर न्यू सेल्स बन जाएंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल रिप्रोडक्शन थैंक यू